Welcome back to your maths class. So let me start our topic. Okay. In last video we complete exercise 1.6. हमने कहाँ तक complete किया है बेटा? Exercise 1.6 तक. So अब हमारा जो next topic है, हमारी जो next exercise है 1.7, उसका topic क्या है बेटा? उसका topic है formation of smallest and greatest number. फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे, आपको उन नंबर्स से सॉरी डिजिट से यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स गिवन होगी, आपको उन डिजिट से क्या करना है बेटा, आपको नए नंबर्स बनाने हैं. जैसे कि उन डिजिट से सबसे छोटा कौन सा नंबर बन सकता है, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा ना, कि जो डिजिट्स आपको गिवन है उन डिजिट से सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है, और उन्हीं डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है. सो बेटा आप देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, सी यहाँ पे मैम आपको कुछ डिजिट्स गिवन करती हैं और आपको उन डिजिट से एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है. मैंने आपको यहाँ पर दिया 4, 6 एंड 5, आपको ये 3 डिजिट्स मैंने यहाँ पे दी है, थ्री नहीं हम और एक दो डिजिट्स लेते हैं, ओके ना, 7, 8, 9, ओके ये मैंने आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं, आपको इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे वो आपको इन डिजिट्स से बनाना है, ओके ये सारी डिजिट आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में यूज करनी है. सो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें जो ये डिजिट्स हमें यहाँ पे गिवन है ना, उन्हें हमें किस क्रम में करना है बेटा, स्मॉलेस्ट छोटा नंबर बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन डिजिट्स को अरेंज करना है. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर डिजिट्स arrange in ascending order. Smallest number के लिए हमें क्या करना है, हमें जो ये digits given है उनको ascending order में arrange करना है, okay. So अब आप यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिखेगा, आप इसको arrange करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ascending order में ही नजर आ रही है, तो हमें एक साथ इनको लिखना है, अभी तो यहाँ पे ये कॉमास में अलग अलग है, अब हमें इसको कंबाइंड करके इन डिजिट्स को कंबाइंड करके एक नंबर बनाना है, उस एक नंबर फॉर्मेशन मतलब हमें करनी है. सो आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, सबसे पहले आप सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, सो उससे बड़ी हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 4 के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, 5 आता है, देन हमारे पास 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बेटा ये क्या नंबर हमारे पास आया, 4,56,789. ये हमने इन डिजिट से एक स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ पे बनाया है, ओके. अब हमें इन्हीं डिजिट्स को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, हमें क्या बनाना है बेटा, हमें अब क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है. सो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें डिजिट्स को कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, हमने स्मॉलेस्ट के लिए तो इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो हमें क्या करना है बेटा, हमें बिगेस्ट टू स्मॉल, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या होता है, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, बड़े से छोटा, सबसे पहले हम बड़ी डिजिट राइट करेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से हम बड़े से छोटी डिजिट पर हमें जाना है. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिजिट्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके. सो हम इन डिजिट्स को अरेंज करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी डिजिट क्या है बेटा, 9 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे, 9,
देन उसके बाद हमारे पास क्या है 8, सो हमने 9 के साथ क्या लिखा 8। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा 7, सो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे 7, एंड देन 6, देन 5 एंड देन 4। सो बेटा ये हमने क्या किया है, हमने जो ये हमें ऊपर डिजिट्स अलग अलग जो हमें डिजिट्स गिवन है हमने उनको कंबाइन करके सबसे बड़ी से हमने छोटी डिजिट तक राइट कर दिया। सो हमारे पास क्या नंबर आया 987,654। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कि इन जो डिजिट्स हमें यहाँ पे गिवन है उन डिजिट से हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो ये बनेगा 987,654। सो आपको समझ में आया कि आप उन नंबर्स को स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे? आपको जो डिजिट्स गिवन है आपको उन डिजिट्स को स्मॉलेस्ट नंबर के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको उन डिजिट्स को अरेंज करना है। सो आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सो लेट मी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.7 बेटा आपको कहाँ करनी है? नोटबुक पे करनी है। ये आपको बुक में नहीं करनी है बिकॉज यहाँ पे आपको बुक में कोई स्पेस गिवन नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके एंड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। आपको यहाँ पे ये डिजिट्स गिवन है, आपको इन डिजिट्स को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ओके सो आप यहाँ पे देखिए बेटा, आपको इस टाइप से अपनी बुक में अपने रजिस्टर में डेट मेंशन करनी है, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड एक्सरसाइज, देन यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। सो हमें यहाँ पे ये डिजिट्स गिवन है 2934008। यहाँ पे आपको डिजिट्स गिवन है, आपको इन डिजिट्स को यूज करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। मैम ने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है, हमें इन डिजिट्स को कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें इन्हें बड़े से छोटे में अरेंज करना है। ओके सो इन डिजिट्स में बेटा देखिए सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, इन डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट 9 है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले 9 लिखेंगे, देन हम उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 8, देन उसके बाद हमें लिखना है 4, 3, 2, 0, 0। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर आया है, जो डिजिट्स हमें गिवन है हमने उन डिजिट से ये ग्रेटेस्ट नंबर बनाया है। और ग्रेटेस्ट नंबर बेटा क्या है 98,43,200, 98,43,200। ओके अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े क्रम में हमें अरेंज करना है। सो छोटे से बड़े क्रम के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन नहीं करी है कि आपको इतनी डिजिट का नंबर बनाना है, बस आपको एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले 00 राइट कर लेंगे, सबसे छोटा है ना 00, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा 2, 3, 4, 8 एंड 9। तो हमारे पास बेटा सबसे छोटा नंबर क्या आया इन डिजिट से, सबसे छोटा नंबर क्या बना 23,489। इनसे सबसे छोटा नंबर क्या बना बेटा 23,489। क्लियर, आपको ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और इस चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी जाती कि आपको इतनी डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, तो आप ये 00 पहले नहीं लिखते, बिकॉज हमारा जो नंबर आया है वो क्या आया है 23,489 आया है, 00 की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये 00 बाद में होती या बीच में होती तो इनकी वैल्यू होती, बट अगर ये पहले है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो अभी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है, आपको सिर्फ एक छोटे से छोटा नंबर बनाना है। सो सबसे छोटा नंबर इन डिजिट से ये बनेगा। ओके एक पार्ट और देखिए,
आपको यहाँ पे डिजिट्स गिवन है 2, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 4। अब आपको इन डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सो ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट राइट करनी है, देन उसके बाद उससे छोटी, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, फिर हमें इसी टाइप से सबसे छोटी डिजिट तक हमें जाना है। ओके, सो हमने बेटा ये ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया है और हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया है, इट्स 9,87,54,321। ये हमारे पास इन डिजिट से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं हम बेटा, जो हमें ये डिजिट्स गिवन है इनसे हम सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा ये नंबर बना सकते हैं कि 9,87,54,321। अब इन्हीं डिजिट से हम सबसे छोटा नंबर क्या बना सकते हैं, यानी कि हम ऐसा नंबर हमें यहाँ पे बनाना है कि उससे छोटा हम और कोई नंबर इन डिजिट से नहीं बना सकते। ओके, सो सबसे छोटा नंबर हम क्या बना सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज करना होगा। सो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, then 2, then 3, 4, 5, 7, 8, 9। सो बेटा हमारे पास क्या नंबर आया, 1,23,45,789। ओके, सो ये आपकी आज की एक्सरसाइज है, ये आपका वर्क है। आपको एक्सरसाइज 1.7 अपनी नोटबुक में डन करनी है। आपको ये जो यहाँ पे जो डिजिट्स गिवन है उनसे एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फॉर्म करना है। ओके, सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट भी हो रहा है। आप अपना ये चैप्टर अच्छे से एक बार रिकॉल करेंगे। व्हेन यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी विल सॉल्व इन अवर लाइव क्लास। ओके, वी विल कंटिन्यू इन अवर लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।